मणिपुर में आए दिन हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से मणिपुर के कई नेताओं पर हमले किए गए। इन्हीं हमलों में विड़पुरा के एक नेता के घर पर रॉकेट से हमला भी शामिल है। हाँ, इस हमले के बाद ही राज्य के कई छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आंदोलन को उग्र होता देख मणिपुर सरकार ने राज्य में इंटरनेट सेवाएं 5 दिन के लिए निलंबित कर दी। कुछ जिलों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया। इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम के डीएम ने कहा कि उन्हें सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक कर्फ्यू में छूट के पिछले आदेश को हटा दिया। दोनों जिलों में तत्काल प्रभाव से अगली सूचना तक जिलों में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है। राज्य के गृह विभाग ने एक अधिसूचना में कहा कि निर्णय तस्वीर, नफरती भाषण और नफरती वीडियो के प्रसार के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए लगाया गया। इसके साथ ही कहा गया कि मणिपुर राज्य के अधिकृत क्षेत्र में 10 सितंबर को दोपहर 3 बजे से 15 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक 5 दिनों के लिए लीज लाइन, वीसेट, ब्रॉडबैंड और वीपीएन सेवाएं सहित इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित यानी रोकने का आदेश दे दिया है। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे क्योंकि छात्र और महिला प्रदर्शनकारी उनसे भिड़ गए थे। प्रदर्शनकारियों ने डीजीपी और मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार को हटाने की मांग की। उसको लेकर राजभवन की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ को आगे बढ़ते देख पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ नहीं रुकी तो सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। प्रदर्शनकारी लगातार उग्रवादियों के हाल ही में किए गए ड्रोन हमलों की निंदा कर रहे हैं। घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तारी न होने पर लोगों में अधिकारियों के खिलाफ काफ़ी गुस्सा है। उन्होंने ड्रोन हमले को रोकने के कथित रूप से विफल रहने के लिए राज्य की पुलिस के महानिदेशक को पद से हटाने की मांग करते हुए नारे लगाए। मणिपुर से हो रहे हमलों को लेकर मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने रविवार को राज्यपाल LR Chary से मुलाकात की। वहीं राज्य में कानून एवं व्यवस्था को मौजूद स्थिति पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय ने अपने विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुलाई। इसमें 25 विधायकों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में हथियारबंद उग्रवादी तत्वों से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई। मणिपुर में कुकी और मैतेई जातीय समुदायों के बीच पिछले साल मई से शुरू हिंसा अब 200 से अधिक लोगों की जाने जा चुकी हैं। साथ ही हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।